गाइस एक मिल नहीं रहा है, मतलब इस ये तो लोचा हो गया, ये 3 और ये मतलब ये 2 3 और ये 1, मतलब ऑल टोटल 3 है। और एक किधर गया, ये किधर गया, रुकिए इधर तो है नहीं। तो ये लाइट्स ऑन हो गई और फ्लैश लाइट भी ऑन, और ये रहा हमारे बच्चे, इधर 4 है उधर पीछे और 2 है, और ये हमारा मिष्टी बैठी है इधर। फिलहाल दिन का फीडिंग टाइम था तो इसलिए मम्मी के साथ है, बाकी तो इस बॉक्स में रहते ये लोग। ठीक है तो चलिए इनको ले जाते हैं छत में, ये इनका बॉक्स है, ज़्यादा टाइम इधर रहते हैं तो एक एक करके निकालते हैं। एक ये देखिए चुप गए लोग, हाँ ये रहा नंबर 2 और ये देखिए मतलब 3, ये तीसरा और ये वाला चौथा, ये रहा हमारा 4 और ये मिस्टी बैठी रही। तुम आराम करो, लॉक्ड और ये बच्चे रेडी। तो चलिए अभी छत में जाएंगे, इधर इसके अंदर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसे इस बहुत सारे छेद किया हुआ है बॉक्स में तो हवा आ जा सकती है, पास कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी छत में जा रहे हैं, ठीक है तो अभी छत में जाके इनका रिएक्शन देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट टाइम ये लोग इतना सारा रोशनी देखेगा। तो वैसे तो मैं आज इनको इस टाइप मतलब इस साइड का छत में ले जाऊँगा, इस साइड में भी एक छत है पर ये बहुत बड़ा है तो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये लोग अभी बहुत छोटे हैं तो छोटे बच्चों के लिए ये वाला छत में अभी इनको छोड़ेंगे। ये थोड़ा छोटा है साइज़ में, ठीक है ये पूरा एरिया है, उधर थोड़ा स्टोन चिप्स वगैरह है और ये थोड़ा पेड़ वगैरह है, और ये सूखा जो मतलब टॉप है इसमें पेड़ कभी हुआ करता था, अभी नहीं है। ठीक है तो फिलहाल चलिए इनको छोड़ते हैं। चल इनको तो छोड़ देंगे, उससे पहले एक काम करना है, वो है कि इधर तो खुला हुआ है और इनको अगर मैं छोड़ देंगे ना तो ये इधर भी भाग जा सकता है, और इधर बहुत बड़ा छत है कहीं जाके घुस भी सकता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इससे पहले इधर थोड़ा ब्लॉक कर दूंगा इन ईंटों से, ठीक है ऐसे ऐसे एक ईंट, ये रहा 2 और ये थोड़ा जो है ना ये हम इस बॉक्स से कर देंगे। चलो पहले इनको निकाल देते हैं, ये फर्स्ट टाइम छत में आ रहे हैं, इससे पहले कभी इन्होंने आया नहीं है और फर्स्ट टाइम छत भी देख रहे हैं, तो चलिए इस बॉक्स को भी इधर रख देते हैं ताकि ये लोग ना निकाल सके। तो ऐसे एक इन मतलब ब्लॉक कर दिए, आई थिंक ये लोग इतना हाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है देखते हैं। तो चलिए अभी इनको इनको फोकस करते हैं, और देखिए ये दोनों तो बैठे हैं, और पर वो दोनों जो है ना वो दोनों चले गए, कहाँ गए वो देखते हैं। चलिए तो वो दोनों एक शायद इधर है, एक वो देखिए आते ही कुछ जो उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया इसने, और एक उधर है वो देखिए उधर 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 उधर, ये सब जो पेड़ देख रहे हैं ये मैं कभी जब प्लांटेशन करता था तभी था, गार्डनिंग का शौक था, कभी कभी मैंने लगाया था, फिर केयर नहीं हुआ मुझसे, सब सूख गया, रोज़ वोज था अभी नहीं है। फिलहाल इनके ऊपर फोकस कीजिए, ये देखिए इधर कुछ घूम रहा है, और बाकी के इधर इधर इधर, ये रहा 1 उधर 2। गाइस ऐसे खुले में अगर छोड़ेंगे ना तो इनको भी मज़ा आता है, बहुत बड़ा जगह मिलते हैं, और आई थिंक थोड़ा वर्कआउट इनको भी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा इंक्लोजर में पूरा दिन बैठा रहता है। और अभी ये फिलहाल आई थिंक घूमने के लिए लायक हो गया है, अभी ये लोग मतलब आराम से छत में घूम फिर सकते हैं, इसलिए मैं इनको लाया हूँ, इससे पहले मैं इनको फिर लाया नहीं हूँ। तो अभी देखिए इनका मस्ती किधर गया, इधर है, ये घर में तो कुछ खाता नहीं है पर इधर ये सूखे पत्तियाँ खा रहे हैं, नटखट बदमाश। वो रहा एक और, एक कहाँ गया, 4 होना चाहिए, अच्छा इधर छुपा बैठा है, ये देखिए इधर छुपा बैठा है, ये भाग रहे भाग रहे भाग रहे, ये देखिए ये रहे और एक, ये आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ये देखिए फिर भाग गया। अब इनको भी ना थोड़ा मज़ा आता है ऐसे बड़े जगह मिलने पे, इनको भी रनिंग के लिए जगह मिल जाता है, कुछ भी हो उनको भी थोड़ा अपने नेचर एनवायरनमेंट में छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए है तो ये नेचर की चीज़, तो हम उनको अपने शौक़ के लिए घर में रखते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए इनको भी खुले में छोड़ना ज़रूरी है, चाहे वो आपके पास जो भी पेट्स हैं उनको थोड़ा खुले में रखना चाहिए। देखिए इनको इधर 1 इधर 2 आई थिंक इधर 3, हाँ इधर 3 और वो उधर ही आ रहा है, वो आ रहा है 4, ये देखिए ये देखिए फिर भाग गया। वो इनका मस्ती मतलब इनका मस्ती ऐसे चालू रहता है, अभी ये लोग खेल रहे हैं और मैं इधर थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, और शायद एक इधर मेरे नीचे है, मतलब मेरे नीचे मतलब मेरा इधर बैठा हुआ है मेरे साथ, ये एक बैठा हुआ है इधर, और बाकी के 3 इधर, ये रहा 1 वो रहा 1 2 और शायद और एक किधर गया, और चाहिए वो इधर 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 ये गया इधर से, कहाँ कहाँ चला जाता है, इसीलिए मैं वो घेर दिया क्योंकि कभी मतलब मैं इधर देख रहा हूँ और वो उधर चला गया तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं उधर घेर दिया। अभी आप समझ रहे हो क्योंकि बहुत शरारत करती है ये लोग, बहुत नट करते, ये देखिए कैसे भाग रहा है ये।
ये देखिए मैं जो बोल रहा था, अभी देखिए क्या करते हैं, हम देखते हैं इधर से भागने की कोशिश करेगा शायद। नहीं 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 भागा, इधर से भाग गया। चलो आ गया इधर, उल्टा सीधा खा रहा है जो कि इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। घर में जो खाना दिया जाता है वो तो खाया नहीं जाता तुमसे, और इधर आके सूखे पत्तियाँ खा रहे हो, बदमाश कहीं का जाओ। क्या तुम इसको अभी पता नहीं चल रहा कि मैं इधर उतरू कैसे, मुझे उठा तो दिया, अभी उतारो मुझे, मुझे अभी खेलना है, उतरना है। चलो उतर जाओ, जाओ खेल लो। अब ये ना तब से लगा हुआ है कि मैं उधर कैसे जाऊँ, उधर क्या है ये उसको पता लगाना है। अब कैसे भी करके उसे ना उधर जाना है। ये देखिए बदमाश कर क्या रहा है, मतलब इसको जैसे तैसे उधर देखना ही है। बहुत नटखट है ये, सब नटखट है, सिर्फ ये नहीं। अच्छा उसको छोड़िए, इधर देखिए, इधर देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। रखिए जूम करके दिखाते हैं, शायद कुछ वही उल्टा फुल्टा। ये आ गया, आ गया, देख रहे दौड़ कैसे रहे हैं, मतलब कौन बोलेगा फर्स्ट टाइम। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम, हाँ क्या कर रहे थे। अब देखिए इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा क्योंकि ये बहुत नटखट है। ओए अभी ये चला गया भाई, क्या कर रहे हो, देखो देखो मैं भी देखूँ तो, मुझे भी जाना है। ये देखिए आ गया, अब ये बोल रहा तू चला गया तो क्या हुआ, मैं तो जाके रहूँगा, जाओ जाओ नहीं जाना है, आ जा आ जा, गुड गर्ल आ जा। नहीं आएगा, वैसा कुछ सिखाया तो नहीं हमने अभी भी। वो उधर जाके छुपा हुआ है, देखिए छुपा थोड़ी ना, कुछ खा वगैरह कुछ। अभी उसके पास जा रहा है। अब देखिए बहुत लोगों का सवाल होता है, मतलब मेरे बहुत लोग, मतलब ये तो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनको शो कर रहा हूँ, कैसा सवाल हो, मतलब मेरे जो दोस्त लोग इनको देख के गए उनका सवाल होता है भाई तू इनको पहचानता कैसे है। ठीक है मैं आपको आज पहचान, आज नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो में इनका डिफ्रेंशिएट मैं कैसे करता हूँ बोलूँगा, ठीक है। पर आज के लिए आप ये ब्लॉग देख लीजिए, मैं कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कि मैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करता हूँ, ठीक है। मतलब जो बंदा एक बार देखेगा ना उसके लिए तो ये सब एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। पर मैं इनको पहचान लेता हूँ, और इनका भी कोई नाम वगैरह भी अभी रखा नहीं हूँ फिलहाल, अभी तो ऐसे ही कुछ भी नाम से पुकार लेता हूँ, बच्चे ये वो इधर आए ऐसे तो बोल देता हूँ। पर फिलहाल इनके लिए भी एक नाम मतलब रखना चाहिए, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो सजेस्ट करते रहिएगा कमेंट पे, और अगर मुझे अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट तो मैं उधर से नाम पिक कर लूँगा। फिलहाल इधर देखिए ये महाशय इधर क्या कर रहा है, कुछ खाने का कोशिश कर रहा है। मतलब अभी क्या है कि इन लोगों का नया नया दांत आया ना, तो ये जो भी चीज़ देखते हैं ना काट लेता है। जैसे कि कभी ये देखिए मेरा पैर के पास आ गया, क्या हुआ क्या हुआ, घुचू क्या हुआ क्या हुआ, भाग भाग भाग। अच्छा ये तो तीन दिख रहे हैं मुझे, ये एक वो दो उधर छुपा है, वो मतलब एक उधर छुपा है और ये एक आया, तो चौथा किधर गया, ओ चौथा इधर है, ये देखिए इधर है, इधर देख ही नहीं रहा था मुझे। एक दो और उधर एक तीन, और किधर गया, फिर से तीन हो गया, अभी चार दिख रहा था। गाइस एक किधर गया, तो गाइस एक मिल नहीं रहा है, मतलब इसलिए मैं वीडियो बंद कर दिया था। फिलहाल ये देखिए ये एक, अरे ये तो लोचा हो गया, एक तीन और ये मतलब ये दो तीन और ये एक, मतलब ऑल टोटल तीन है। और एक किधर गया, ये किधर गया, रुके इधर तो है नहीं, नहीं इधर ही होना चाहिए ये, रुकिए। ओ गाइस मिल गया, इस शैतान को देखिए कहाँ घुस गया ये, ओए कर क्या रहा है तू। अब ये देखिए ये सब गुलाब का सूखा हुआ पेड़ है, अब ये भाग, अच्छा इसको इधर छोड़िए, इसको देखिए मैं इतना ऊंचे मतलब इतना ऊंचा फिर भी उड़ के ये भागने की कोशिश में, ओए ओए नहीं जाना उधर, ये देख रहे हैं गाइस इतना शरारती है ना ये लोग, मतलब कैसे कर लेते हैं, मुझे इधर ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कभी भी भाग सकते हैं। वो देखिए वो अभी भी उसके अंदर शायद दिख रहे हैं आपको, वो देखिए कहाँ घुस गया है वो, मतलब मैं तो उधर से देख ही नहीं पा रहा, इधर से कि मैं खड़े होकर भी नहीं देख पा रहा था। देखिए उधर बैठ के उधर वो एक गोभी का पत्ता पड़ा हुआ था वो खा रहा है, और ये वो भाग रहे थे नटखट, वो इधर से चढ़ के इधर भागने वाला था। अच्छा वो मैं देख लिया, नहीं तो फिर से उसको ढूंढने जाना पड़ता था। अरे इधर क्या कर रहे हो तुम, वैसे तुम घुसे कैसे, अच्छा वो चाहिए ना मैं तुमको दे दूंगा, इधर पहले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, उधर नहीं घुसने तुमको। ये रहा इसको बाहर तो निकाल दिया, उधर और मजा नहीं, पूरा गंदा हो गया, पूरा गंदा हो गया, गंदा हो गया, साफ कौन करेगा तुमको। फिर कह रहा है ये बंदे, वो देखिए वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा आ गया हमारा बब्बर शेर आ गया, वैसे शेर या शेर मुझे अभी पता नहीं है। आ जा ओए ओए चला गया, मेरा नाम पहले दो मैं फिर आऊँगा। चलो वो तो भाग गया, अब ये ना फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई देख चुके इन लोगों का मस्ती अलग लेवल में चला गया, मतलब घर में इतना एक्टिव नहीं रहता है, सोया रहता है या फिर थोड़ी देर दौड़ने के बाद ये लोग चुप के बैठ जाता है। यही कुदरत का कमाल है, देखिए कुदरत का चीज़, कुदरत में आके कितना इंजॉय कर रहा है कुदरत को। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी कुछ भी पेड़ से ना उनको, हाँ ये क्या हो गया गाइस, ये देखा उसने क्या किया, मतलब कुछ करने वाला था पर गिर गया, शर्मा रहा है बच्चा, ये रहा शर्मा गया ये बहुत अच्छा था। तो मैं जो बोल रहा था एक्चुअली, तुम गिर गया बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिर गए थे तुम, ये यही वो है जो गिर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
गिर गए थे तुम, अरे भाग गया। ठीक है, तो गाइस जो बोल रहा था, इन लोग का अलग मस्ती है क्योंकि कुदरत का चीज़ है, कुदरत में आके मस्ती तो करेगा ही, मतलब इनको अलग सा जान मिल जाता है कुदरत में आके। तो प्लीज़ आपके पास भी अगर कोई पेट्स है तो प्लीज़ उनको भी ऐसे थोड़ी देर के लिए उनको भी कुदरत मतलब नेचर में ले जाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप बैठे रहिए, उनको थोड़ा खेलने दीजिए, चाहे आपके पास डॉग हो, कैट्स हो, रैबिट्स हो, गिनी पिग्स हो, या फिर बर्ड्स कुछ भी हो, उनके उनको थोड़ी देर के लिए। देखिए ये भी एक सूखा गोभी का पत्ता है तो इसको भी खा रहा है चैन से, मतलब घर में पत्ता देता हूँ तो खाता नहीं है, इधर ये सूखा पत्ता खा रहा है, घर में से मदर्स मिल्क ही खाता है, इधर आके देखिए कुछ भी खा रहा है। और फिलहाल इतना भी नहीं कि ये लोग पूरा खा जा रहा है, थोड़ा बहुत इम्यूनिटी के लिए इनका चलता है क्योंकि इनको डिवर्मिंग तो होगा थोड़ी दिन के बाद, तो मुझे उतना कुछ टेंशन नहीं है, तो अभी थोड़ा इम्यूनिटी भी चाहिए। ये देखिए कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। अब इन लोगों का आइज आई थिंक ब्राउन ही होगा, जैसा मतलब दो आइज ही ब्राउन होगा। तो गाइस चलिए अभी वीडियो को बंद करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया मुझे पता है, आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं पर फिर भी बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। तो कहाँ भाग रहे हो, घर जाने का टाइम हो गया, मुझे भी नीचे जाना है। तो चलिए इनको एक एक करके पकड़ते हैं और इसके अंदर रखते हैं, इससे पहले इसको खोल दें, रुकिए। वो उधर जाके बैठ गया, ये हमारा एक कोई निकलना मत, ये ना निकल जाता है जैसे कभी कभी, वो तुम बैठ के आ गए। ये देखिए ये शांति से हमारा महाराजा बैठ गया, चलो। अरे कहाँ भाग रहे हो, रुक जा, नीचे जाना, घर जाना नहीं, घर नहीं जाना, मम्मी के पास नहीं जाना, गंदा हो गया एक दिन आके, और बाहर मत जाना। अब इसको पकड़, अब देखिए ये अंदर घुस जा रहा है, अंदर कहाँ घुस रहा है, वो घर जाना नहीं है तुझे। तो देखिए इसको ना फिर से निकालना पड़ेगा, कहाँ भाग रही है, देखिए ये ना बहुत परेशान करते हैं। फिलहाल के मैं इनको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको निकालने में ना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब कांटेदार पेड़ है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना तो मुझे कांटा लग सकता है। और इसको भी रुकिए, इसको निकलता हूँ, ये देखिए कैसे अंदर बैठ गया। अरे आ जा, आ गया आ गया आ गया, ओए रुक रुक, भागना मत, देखिए गंदा हो गया ये, एक दिन आया पूरा गंदा होके घर जा रहा है, रुक। तो ये हमारा चार लौंडे, लौंडे या लौंडिया मुझे पता नहीं है, तो फिलहाल ये लोग आ गए अपने एनक्लोजर में, इधर ही रहता है ये, और फीडिंग टाइम में मम्मी के पास जाता है। ये बहुत छोटा है मुझे पता है, मुझे चेंज करना होगा। तो ये देखिए सो गया, बहुत थक गया हो ना, बहुत थक गया हो, दुष्टमी करके बहुत थक गया हो। ठीक है चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इन लोगों के साथ। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टिल देन बाय, लव यू ऑल, बाय।